त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रथम चरण में जनपद पंचायत बागली के नव निर्वाचित पंच, सरपंच एवं जनपद सदस्यों के मतों का उत्कृष्ट विद्यालय में सारणीकरण कर प्रमाण पत्र वितरित किए गए। रिटर्निंग ऑफिसर विवेक सोनकर एवं एसडीएम शुभाराम सोलंकी, नायब तहसीलदार अनिता बरेठा की उपस्थिति में 286 पंच, 113 सरपंच एवं 24 जनपद सदस्यों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए, जो निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं उनको पहले ही प्रमाण पत्र दे दिए गए हैं। नव निर्वाचित जनप्रतिनिधि प्रमाण पत्र लेने के लिए उत्साह के साथ उत्कृष्ट विद्यालय पहुंचे और अपने प्रमाण पत्र लिए। सुरक्षा की दृष्टि से उत्कृष्ट विद्यालय में बैरिकेड्स लगाए गए, साथ ही बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात रहा। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। विकासखंड बागली जनपद पंचायत क्षेत्र जो बागली है उसमें 25 जनपदों का निर्वाचन होना था, 118 पंचायतें इसलिए 118 सरपंचों का निर्वाचन होना था और 118 पंचायतों में पंचों का 1807 पदों पर निर्वाचन होना था। और इसमें हमारे इस क्षेत्र में 4 तो पूर्ण जिला पंचायत के मतदान केंद्र लगते हैं, जो जिला सदस्य के केंद्र लगते हैं, वार्ड लगते हैं। एक 20 मतदान केंद्र हमारे एक आखिरी का जिला पंचायत का सदस्य है का क्रमांक 13 वार्ड के 20 मतदान केंद्र केवल लगते हैं। तो उन सबके निर्वाचन के आज परिणामों के संबंध में कार्रवाई की गई है, सारणीकरण का कार्य किया गया है। सर कितनी पंचायतें निर्विरोध यहाँ पर चुनी गई होती हैं? 4 पंचायतें निर्विरोध चुनी गई है और एक जनपद सदस्य वार्ड क्रमांक 5 निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। सर कुछ पंच वार्डों में भी जो खाली रहे उनमें क्या प्रक्रिया की जाएगी? चूँकि वो निर्वाचन आयोग की ये निरंतर प्रक्रिया है, जो वार्ड रिक्त रह जाते हैं आगामी 6 माह में उनमें फिर से निर्वाचन कराए जाते हैं। तो जब भी निर्वाचन आयोग का कार्यक्रम आएगा तो उनमें पंचों का निर्वाचन पुनः कराया जाएगा। सर उप सरपंच की क्या प्रक्रिया? पंच से अभी शासन की तरफ से इसमें निर्देश आते हैं, अभी निर्देश प्राप्त नहीं हुए इस आज जो निर्वाचन परिणाम की घोषणा आज और कल जो होगी उसके पश्चात में जो कार्यक्रम आएगा तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।